साल की शुरुआत होते ही Hyundai ने गवर्नमेंट के एमिशन नॉर्म्स के मुताबिक अपनी गाड़ियों को अपडेट करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने Hyundai Venue के बाद अब नए अपडेट के साथ 2023 Hyundai Creta को भी लॉन्च कर दिया है। वेल हेलो एंड वेलकम टू ऑटोनेस्ट, मैं हूं आपके साथ मनीषा। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल में रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स लागू होने जा रहे हैं और इसी के चलते कंपनी अपनी गाड़ियों को अपडेट कर रही है। वही Hyundai Creta के इस अपडेटेड वर्जन में भी RTO और E20 के अनुरूप इंजन दिया गया है, जिसके साथ ही इस SUV में सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो चलिए आपको भी बता देंगे क्या कुछ बदलाव 2023 Hyundai Creta में किए गए हैं और इन अपडेट के साथ अब Creta की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। साथ ही वीडियो के एंड में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये RDE है क्या। 2023 Hyundai Creta इंजन। Hyundai Motor ने अप्रैल 2023 से लागू होने वाले रियल ड्राइविंग एमिशन नियमों का पालन करते हुए Hyundai Creta को अपग्रेड इंजन के साथ पेश किया है। इसके साथ ही कंपनी ने इस इंजन को E20 फ्यूल रेडी भी बनाया है। वहीं Creta के इंजन में स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी मिलता है। इसमें आपको अब 113 bhp 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 113 bhp 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है। हालांकि आपको बता दें कि 138 bhp 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा Hyundai Creta कई ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ आती है, जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, IVT और 6 स्पीड AT मिल जाते हैं। 2023 Hyundai Creta फीचर्स। सेफ्टी के मामले में Hyundai Creta के सभी वेरिएंट्स में अब 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स और ISO फिक्स के साथ चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। वहीं इसके अलावा Creta में मिलने वाले और भी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एक पैनोरमिक सनरूफ के अलावा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा। 2023 Hyundai Creta प्राइस। अब बात करें नई 2023 Creta के प्राइस की तो इसके पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 10.84 लाख रुपीस से लेकर 17.64 लाख रुपीस एक्सो शोरूम तक जाती है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट की कीमत 11.89 लाख रुपीस से शुरू होकर 19.13 लाख रुपीस एक्सो शोरूम तक जाती है। वहीं इंडियन मार्केट में Hyundai की नई Creta, किया सेल्टॉस, टाटा हैरियर, MG Hector, Volkswagen Tiguan और Skoda कुशा को टक्कर देगी। क्या है रियल ड्राइविंग एमिशन? रियल ड्राइविंग एमिशन यानी कि RDE 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रहा है। वहीं RDE को साल 2020 में BS6 एमिशन नॉर्म्स का ही फेज 2 बताया जा रहा है। दरअसल अभी तक इंडिया में व्हीकल्स के एमिशन लेवल को लैब में टेस्ट किया जाता था, लेकिन जब कार्स को रोड पर चलाया गया तो उसका एमिशन लेवल बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने 4-व्हीलर पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों के एमिशन लेवल को लगातार चेक करने के लिए ये नियम बनाया है और इन नए नियमों के तहत व्हीकल्स को नए RDE स्टैंडर्ड के अनुरूप तैयार करने के लिए ऑनबोर्ड सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस दिए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसको शेयर करें। साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।